स्टूडेंट्स वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे और आपके बीच में सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, तो अपने उसी सफ़र को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आगे चलते हैं और अपने सफ़र को हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसकी दो क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में आपसे बेसिक डिस्कशन किया था और सेकंड क्लास में आपसे वन ऑफ के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। तो जो लोग भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या जिन लोगों ने भी पिछली क्लासेस का वीडियो नहीं देखा है, वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, नए रूल की तरफ चलते हैं। तो नया रूल क्या है आपका यहाँ पे, देखिएगा कि अगर दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और अगर पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया जाए, तो याद रखना ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट विद आर्टिकल, या आप कह सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यहां पर आपका ये पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा। आप इस सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब यहां पर याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी आ जाए कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और केवल पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप वर्ब कैसी लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आगे आपकी जो वर्ब आएगी, यहां पर ये वर्ब आपकी होनी चाहिए सिंगुलर, आपकी वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अच्छा, इसी से थोड़ा हटके आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में दो नाउन एंड से जुड़े हैं, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा आपका। थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आपका ये पूरा एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको आप कह सकते हैं। आपको देख रहा हो, दिखाई दे रहा होगा कि इसमें चेंज क्या है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। इस वाले पैटर्न में आप देखोगे कि दो नाउन तो एंड से जुड़े हैं, लेकिन यहां पे दोनों नाउन के पहले आपको क्या लिखा दिखाई दे रहा है, आर्टिकल। याद रखना आर्टिकल की अगर बात होगी तो आपका यहां पर आर्टिकल तीन ही होते हैं, आपको पता, या तो ए आएगा या एन आएगा या फिर आपका आर्टिकल दा हो सकता है, ठीक है, आपका आर्टिकल ए एन दा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के पहले आपने लगाया था, तो आपकी वर्ब हो गई थी सिंगुलर, लेकिन जब आर्टिकल दोनों नाउन के पहले लगा होगा, तो आप याद रखना ऐसे सेंटेंस में आपकी वर्ब हो जाएगी प्लूरल, ऐसे सेंटेंस में आपकी वर्ब हो जाएगी प्लूरल। चलिए थोड़ा इनको समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
जब आपके सामने ऐसा कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल दिया है, तो आपको बता दें ऐसे सब्जेक्ट में केवल एक ही पर्सन की बात होती है, ऐसे सब्जेक्ट में केवल एक ही पर्सन की बात की जाएगी। लेकिन जब आपका कंपाउंड सब्जेक्ट आपको दिया जाए और उसमें दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन के पहले अगर आपको आर्टिकल दिया है, तो ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट में दो अलग अलग व्यक्तियों की बात होती है। इस बात को आप याद रखना कि जब दो नाउन आपके एंड से जुड़े हैं और दोनों में अलग अलग आर्टिकल अगर आपको दिया जा रहा है, तो यहां पर आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो आपकी वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल। चलिए इनका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, कई लोग उसको पहले से जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया, बताइएगा आप लोग, यहां पे लिखा है द कोच, एग्जाम्पल है आपके लिए छोटा सा, द कोच एंड कैप्टन, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द टीम यहां पर आपको वर्ब लगानी, ऑप्शन है आपको दिए हैं, वॉज या वर, इन्वाइटेड, वॉज या वर इन्वाइटेड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, जैसे यहां पे लिख दिया द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, एंड द सेक्रेटरी, इसमें भी आपके लिए दो ऑप्शन है, विद ऑप्शन के आपको दिया है क्वेश्चन, हैज या हैव अराइव्ड। चलिए दो क्वेश्चन है आपके सामने, कॉन्सेप्ट भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो चलिए क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और आंसर भी देने का प्रयास कर रहे हैं, और आंसर भी बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया है, द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज यवर इन्वाइटेड। यहां पर आपको ये बताना है कि यहां पर आप जो वर्ब लगाएंगे, ये वर्ब आपकी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ये आपका एंड लिखा हुआ है, और ये कोच ये एक नाउन हो गया, कैप्टन ये भी एक नाउन हो गया। आपने क्या देखा कि यहां पे दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। अब एक बात और देखिए, क्या दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है या केवल पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आर्टिकल तो केवल पहले वाले नाउन के पहले लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही पर्सन जो कि कोच भी है और कैप्टन भी है, एक ही पर्सन की यहां पर दो दो उपाधियां हैं, जो कोच का भी काम कर रहा है और कैप्टन का भी काम कर रहा है। अब अगर पर्सन एक है तो आप बताइए आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर में आप लगाएंगे वॉज, यहां पर अगर आप वर्ब लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपके सामने लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ऑप्शन है आपके लिए, यहां पर आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, अराइव्ड। चलिए फिलहाल आपने आंसर दे दिया है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, इसको समझते हैं एक बार। यहां पर आपने देखा कि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक नाउन आपका हो गया प्रिंसिपल, एक नाउन हो गया आपका सेक्रेटरी। आपने चेक किया कि यहां पर दो नाउन एंड से जुड़े हुए, ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है आपका। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या यहां पर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही, देखो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है, और जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आएगा
तो वहां पर आपको बताया था कि अलग अलग पर्सन की बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक व्यक्ति जो कि प्रिंसिपल है और दूसरा व्यक्ति यहां पर हो गया जो कि सेक्रेटरी है, दो व्यक्ति अलग अलग हो गए। और जब अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे तो आपको बताया था कि आप वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल। बहुत सही आपका राइट आंसर, यहाँ पे आपकी प्लूरल वर्ब यहाँ पे हो जाएगी हैव, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। तो आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो इसी पैटर्न पर होगा, देखिएगा सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अच्छे और नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपका उसी पैटर्न पे है। देखिएगा सभी लोग ध्यान से और आंसर भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है और कहां पर गलती है। क्वेश्चन है आपके सामने, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ऑरेटर। ध्यान से देखिए, यहां पर बताइए क्वेश्चन में क्या गलती है। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं बताने का। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में गलती कहां पर है। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ऑरेटर। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका देखो पूरा एक यहाँ पर कंपाउंड वर्ड है ये, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कि नेल्सन मंडेला एक ही पर्सन है यहाँ पे। अब अगर एक ही पर्सन है तो यही पर्सन लीडर भी है और यही पर्सन ऑरेटर भी है। महान नेता और महान वक्ता दोनों एक ही पर्सन है। लेकिन आपको क्या बताया था कि अगर आर्टिकल दोनों नाउन के पहले आप लगा देंगे तो वहां पर दो पर्सन की बात होगी। अब पर्सन एक है और देखो आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आर्टिकल जरा ध्यान से देखो, यहां पर दोनों नाउन के पहले लगा है, लीडर के पहले भी और ऑरेटर के पहले भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, आपको एक आर्टिकल जब आप हटाएंगे तब एक पर्सन को ये बताएंगे। तो यहां पर आपका ये आर्टिकल अगर आपका लगा है, ये आर्टिकल गलत हो जाएगा। आप राइट आंसर बोलेंगे, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ग्रेट ऑरेटर। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति जो कि ग्रेट लीडर भी है और ग्रेट ऑरेटर भी है, ठीक है। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं एक नए रूल के साथ, ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे तीन नए क्वेश्चन के साथ जो काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो देखिएगा ध्यान से सभी लोग। क्वेश्चन है, पहला आपके सामने लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ऑप्शन है वर्ब के वॉज यवर इनवाइटेड। चलिए तो पहले आप लोग बताने का प्रयास करिए कि पहले क्वेश्चन में आपकी वर्ब क्या आएगी, वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे या वर्ब आप प्लूरल लगाएंगे। हाँ कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं और सही आंसर भी आ रहा है उनका। चलिए देखते हैं, आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो आपकी वर्ब आएगी वो वर्ब आपकी होगी सिंगुलर, आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें फिर दोनों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, एवरी मैन एंड एवरी वेमन, वर्ब के ऑप्शन दिए गए ए जाएगा या आर आएगा, ऑफ द सेम ओपिनियन। इस क्वेश्चन को भी आप बताइए, प्रयास करिए फिर दोनों क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन तो सेम पैटर्न का लग रहा है, तो वर्ब भी आपकी सेम पैटर्न पे आएगी। यहां पर भी आप वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, यहां पर भी राइट ऑप्शन आपका एज होगा, आर अगर आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं कि दोनों में सिंगुलर वर्ब आई तो उसका क्या रीजन है। आपको बता दें कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट आपको बताया था कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़ जाए वही आपका कहलाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यहां पर आपने ध्यान दिया ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ये भी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है। अब आपको बता दें कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट में या जब कंपाउंड सब्जेक्ट कभी एंड से जुड़े हों और उसमें ईच या एवरी लगा दिया जाए,
जब कंपाउंड सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और अगर उसमें कभी भी ईच या एवरी लगा दिया जाए तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उस सेंटेंस में आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, उस सेंटेंस में वर्ब आपकी हमेशा आएगी सिंगुलर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो गया वॉज, ये वर्ब आपकी सिंगुलर है। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर आपका राइट आंसर हो गया इज, क्योंकि यहां पर आपकी ये वाली वर्ब है सिंगुलर। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको भी आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती होगी, यहां पर वाइफ नहीं माई वाइफ होगा, ध्यान दीजिएगा माई वाइफ होगा। माई लाइफ एंड माई वाइफ ऑप्शन है वर्ब के, हैज या हैव अराइव्ड। अब आप बताइए क्वेश्चन को समझना, यहां पर आपको बता दें ये भी सब्जेक्ट जो आपके सामने लिखा है ये भी आपका एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। चलो तो पहले आप लोग प्रयास करिए, ट्राई करिए बताने का, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग बताइए इसको। यहां पर वर्ब आपकी है जाएगी या हैव आएगी। हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर, राइट ऑप्शन यहां पे आपका होगा हैज, हैव यहां पे आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। चलिए थोड़ा इसको भी समझते हैं, यहां पर बोला गया है कि माई लाइफ एंड माई वाइफ, मतलब जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं मेरे दोस्त मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान है, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पर बोला गया है कि माई लाइफ एंड माई वाइफ, कि मेरी जो लाइफ और मेरी वाइफ मतलब एक ही बता रहा है कि मेरी वाइफ ही मेरी जान है, यहां पर कोई अलग अलग नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे दोस्त ही मेरी जान है, तो यहां पर दोस्त ही तो जान है, समझ रहे हैं ना आप, क्वेश्चन में ध्यान दो। तो यहां पर ये कंपाउंड सब्जेक्ट आपका देखो सिंगुलर बता रहा है, यहां पर ये आपका हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि ये केवल आपको लग रहा है कि यहां पर लाइफ और वाइफ है, लेकिन यहां पर ये केवल वाइफ के बारे में ही बता रहा है। तो इस हिसाब से आपकी जो वर्ब आएगी ये वर्ब आपकी हो जाएगी सिंगुलर। ये तीनों क्वेश्चन आपके काफी अच्छे और एक तरह से बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इन पर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रूल में, चलिए तो मिलते हैं एक नए रूल के साथ आपसे, देखिएगा ध्यान से। आपके सामने लिखा हुआ है आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर आ सकता है लार्ज नंबर्स ऑफ, या फिर लिखा मिल सकता है आ ग्रेट नंबर ऑफ। इसमें एक और नीचे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ध्यान देना यहां पे कि जो ऊपर यहां पर ये शब्द आपके लिखे हुए हैं यहां पर आर्टिकल देखो ए लगा, ध्यान देना आर्टिकल ए लगा हुआ है, और ये आपके सामने ये जो नीचे लिखा हुआ है यहां पर ध्यान देना यहां पर आर्टिकल द लगा हुआ है। यही चीज आपको ध्यान देनी है और यहीं से सब गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। अब देखो करना है क्या आपको, अगर कभी यहां से कोई भी शब्द या यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान देना कि इन शब्दों से बनने वाले क्वेश्चन के साथ आगे आप जो भी नाउन लगाएं, ठीक है, या आप जो भी प्रोनाउन लगाएं, ये नाउन प्रोनाउन ये आपका होगा प्लूरल, ये नाउन प्रोनाउन आपका होगा प्लूरल, समझना ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रोनाउन आपका होगा प्लूरल। अब नाउन प्रोनाउन तो आप समझ गए, अब अगर आगे आपको वर्ब लगानी पड़ी तो आप याद रखना कि इस टाइप के सेंटेंस में आप जो वर्ब लगाएंगे ये वर्ब भी आपकी होती है प्लूरल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर इस पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, तो आप याद रखना इस टाइप के सेंटेंस में आपका नाउन प्रोनाउन अगर आएगा तो वो भी आपका प्लूरल होगा, और आगे अगर आपकी वर्ब आएगी तो ये वर्ब भी आपकी कैसी होगी प्लूरल होगी।
अगर इसके हिंदी की बात करें कि इन शब्दों की हिंदी क्या निकलती है, तो इनका मतलब होता है कि एक अनिश्चित संख्या की बात की जाती है। अनिश्चित संख्या में किसी की भी बात की जाए तो वहां पर इन शब्दों का यूज किया जाता है। चलिए अब यहां पर इस द नंबर ऑफ को भी समझ लेते हैं। अगर कभी एग्जाम में द नंबर ऑफ लिखकर आ जाए तो क्या यहां पर भी सेम कंडीशन होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर द नंबर ऑफ लिखकर आ रहा है तो आप याद रखना कि इसके बाद आप जो नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, ये नाउन प्रोनाउन तो आपका प्लूरल ही होगा, यहां पर कोई चेंजमेंट नहीं है, ये नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल ही होगा। लेकिन क्या वर्ब भी प्लूरल आएगी? नहीं, वर्ब यहां पे आपकी प्लूरल नहीं आएगी। यही तो इसमें आपको याद रखना है कि द नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन आपकी जो वर्ब होगी ये वर्ब आपकी आती है सिंगुलर। याद रखिएगा, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। बस याद रखना कि अगर आर्टिकल ए या आ, अगर आपका यहां पर आर्टिकल ए लगा हुआ है, आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो इसका मतलब ये होता है कि एक अनिश्चित संख्या की बात की गई है, वहां पर निश्चित संख्या नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। और जब निश्चित नहीं है तो उसको माना जाता है प्लूरल। आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि जब आपका द लगेगा तो एक निश्चित संख्या की बात होगी, और जब आर्टिकल ए लगेगा तो अनिश्चित संख्या की बात होगी। जब अनिश्चित संख्या की बात होगी तो नाउन और वर्ब दोनों आपके प्लूरल होंगे, और जब आपकी एक निश्चित संख्या की बात की जाएगी तो नाउन प्रोनाउन तो आपका प्लूरल होगा लेकिन वर्ब आपकी आनी चाहिए सिंगुलर। तो चलिए इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं, देखिएगा इनके एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, तो चलिए मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा और आप लोग बताने का प्रयास करिए। जिस पैटर्न पे अभी आपको रूल बताया था उसी पैटर्न पे एग्जाम्पल है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे आपको बताना है कि आपकी वर्ब क्या आएगी, वर्ब आप हैज लगाएंगे या वर्ब आपकी हैव आएगी, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल, और यहां पे आगे लिखा हुआ है गैदर्ड देयर। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पे वर्ब आएगी प्लूरल यानी कि हैव। तो आपको बता दें कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर वर्ब आपकी प्लूरल हैव ही आएगी, सिंगुलर वर्ब आप यहां पर हैज नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अभी हाल आपको बताया था कि आ नंबर ऑफ यानी कि अनिश्चित संख्या की बात अगर होगी तो आपकी वर्ब आएगी प्लूरल। तो यही तो देखो यहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल ए आ नंबर ऑफ, तो वर्ब आपकी प्लूरल बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जरा ये देखो, क्या यहां पर ये जो नाउन है, क्योंकि आपको नाउन भी बताया था, नाउन कैसा आएगा? नाउन आपका हमेशा आना चाहिए प्लूरल, तो क्या यहां पर ये नाउन सही है? बिल्कुल सही है, नाउन यहां पर बिल्कुल सही, स्टूडेंट्स जो कि एक प्लूरल नाउन है, यहां पर नाउन में कोई गलती नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। द लार्ज नंबर ऑफ बॉयस, वर्ब आपके सामने इज या आर 50। बात की गई है कि जो एक निश्चित संख्या है लड़कों की वो 40 है, और आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में आर्टिकल दाल लगा हो यानी कि निश्चित संख्या की बात की जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका नाउन तो प्लूरल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो वर्ब आएगी, वर्ब कैसे आनी चाहिए? वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर, क्योंकि संख्या निश्चित है यहाँ पे। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ए जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका, सिंगुलर वर्ब ए जाएगी, यहाँ पर आर लगाना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से मिलते हैं।
द नंबर ऑफ गेस्ट, कह रहा भाई कुछ निश्चित अतिथि आए हैं रसूल खाने, उनकी यहाँ पर एक निश्चित संख्या दी गई है, हो सकता है 10-50 लोगों को बुलाया हो, अनिश्चित नहीं है, नहीं तो पूरा भंडारा हो जाएगा। तो यहां पर बोला है द नंबर ऑफ गेस्ट, वर्ब आपको बतानी वॉज आएगी या वर आएगी। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि दा का मतलब हो गया निश्चित लोगों की बात की गई है, और जब निश्चित लोगों की बात होगी तो आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब में आप यहां पर क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही आपका आंसर, आप यहां पर लगाएंगे वॉज, यहां पर वर अगर आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लास्ट और एक नए रूल के साथ आपसे मिलते हैं, चलिए देखिएगा। हाँ तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए रूल के साथ, और काफी इम्पोर्टेंट रूल है आपके लिए, ये ध्यान दीजिएगा। इस रूल में आपसे कई सारे शब्दों की बात की जाएगी, अलग अलग चीजों को समझना होगा आपको, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्रोनाउन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके ग्रामर के लगभग सभी पार्ट जुड़ जाते हैं। तो ध्यान देना कि इनडेफिनेट प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आ रहा है अभी, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बातें आपको समझनी होगी। ध्यान से देखिएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर बनते हैं, जिनके साथ वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल बनते हैं, उनके साथ वर्ब आपकी प्लूरल आती है, कुछ अपवाद भी आएंगे। और कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे ऐसे भी हैं जो सिंगुलर भी बन जाते हैं और प्लूरल भी बन जाते हैं, दोनों केसेस में यूज होते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इनको। तो जैसा कि आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आपको समझाएंगे वो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो हमेशा सिंगुलर बनते हैं और जिनके साथ आपकी वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है एवरी, सम और नो, इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नोवन, नोबडी, नथिंग। कहने का मतलब ये हुआ जब किसी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के लास्ट में अगर आपको ये शब्द लिखे दिख जाए तो इंडेफिनेट प्रोनाउन आपका बनता है सिंगुलर। और भी कुछ लिखे हुए हैं, ईच, ईदर, नीदर, मच, लिटिल, एक और आप लिख लीजिएगा ओ एन ई वन, ये भी आपका एक सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो याद रखना ये सभी आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये सभी सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और आपको बता दें इन सभी सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आपकी जो वर्ब आएगी आप वर्ब हमेशा लगाएंगे सिंगुलर। आपकी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आप इनके साथ हमेशा लगाएंगे सिंगुलर। बहुत ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो हमेशा प्लूरल बनते हैं और जिनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। चलिए मिलते हैं उन प्रोनाउन से। यहां पर लिखे हुए हैं मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू। आप याद रखना कि यहां से अगर कोई भी आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना कि इन प्रोनाउंस के साथ आपकी जो वर्ब आएगी, इनके साथ आप जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब आपकी हमेशा आएगी प्लूरल। आपकी वर्ब कैसी आएगी, आपकी वर्ब हमेशा आएगी प्लूरल। इसमें एक छोटा सा अपवाद है आपका, देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। आपके सामने ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में मैनी दिया जा रहा है और मैनी के बाद अगर आपको इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन दिख जाए, अगर इंडेफिनेट आर्टिकल आपको दिया जा रहा है तो आपको बता दें कि इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आप लगाएंगे ये नाउन प्रोनाउन आपका सिंगुलर होगा।
अब अगर नाउन प्रोनाउन आपका सिंगुलर होगा तो आगे आपकी जो वर्ब आएगी ये वर्ब भी आपकी होगी सिंगुलर। तो इसमें इस एक्सेप्शन का आप खास ध्यान रखना कि अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन नहीं होगा तो आपकी वर्ब आएगी प्लूरल, और अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आपको दिया जाए तो आगे आने वाली नाउन और वर्ब दोनों चीजें आपकी कैसी आएंगी सिंगुलर। लास्ट पॉइंट इसका, उन शब्दों को अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के, वो शब्द जो सिंगुलर भी बनते हैं और प्लूरल भी, यानी इनके साथ आपकी वर्ब सिंगुलर भी आती है और आपकी वर्ब प्लूरल भी आती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ इन शब्दों से, आपके सामने लिखे हुए हैं सम, एनी, ऑल, नन, मोस्ट। ये आपके कुछ ऐसे शब्द हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के जिनके साथ आपकी वर्ब सिंगुलर भी आती है और आपकी वर्ब प्लूरल भी आती है, लेकिन अलग अलग कंडीशन होती है इसकी। तो आपको थोड़ा सा समझा दें, जब इन शब्दों के बाद जो भी आप नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, अगर आपका इन शब्दों के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, ये नाउन प्रोनाउन दो कंडीशन का हो सकता है आपका, ये नाउन प्रोनाउन आपका या तो सिंगुलर हो सकता है या ये नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये नाउन प्रोनाउन या तो आपका सिंगुलर बनेगा या ये नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल बनेगा। अब तो आप खुद ही समझ जाएंगे, अगर इन शब्दों के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन आपका सिंगुलर होगा तो आगे आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, और अगर इन शब्दों के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा तो आगे आने वाली वर्ब भी आपकी हो जाएगी प्लूरल। आपको थोड़ा सा यहां पे बता दें कि अगर आपको इनके साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी इसी नाउन प्रोनाउन के हिसाब से आएगी, यानी आप कह सकते हैं आपकी जो वर्ब आएगी ये वर्ब आपकी इसी नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ये सिंगुलर होंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, ये अगर प्लूरल होंगे तो वर्ब आपकी आएगी प्लूरल। इन सभी शब्दों को इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये जो तीन पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं कि कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल हैं, कौन से सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, आप इनको ध्यान से समझिए। पेपर पेन लेकर बैठे होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं नोट भी कर सकते हैं, नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं इन्हीं शब्दों के कुछ एग्जांपल के साथ। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तो चलिए मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपसे, जो भी आपने देखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन में उन्हीं इंडेफिनिट प्रोनाउन्स के कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन देखिए, और इसमें जो गलतियां हैं इन क्वेश्चन की गलतियों को बताने का प्रयास करें। बहुत सही, कुछ लोग इसका आंसर भी दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कुछ लोगों के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, समवन, यहां पर वर्ब की ऑप्शन है जाएगी या हैव आएगी, कम टू मीट यू, कह रहा भैया कोई मिलने आया है, तो आपको कहने से ही लग रहा है कोई मिलने आया है, कोई मिलने आए हैं नहीं आया है। तो यहां पर आप बताइए समवन आपका जो लिखा हुआ है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जरा आपने जो भी ग्राफ बनाया था उस ग्राफ में ये देखकर बताओ ये समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। बिल्कुल सही, ये सिंगुलर है, आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर यानी कि हैज, अगर आप हैव लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके सामने वर्ब है हैज या हैव पास्ड द आईआईटी एग्जाम। अब यहां पर एक बात बताइए, आपको बताया था कि मोस्ट के बाद आपकी वर्ब सिंगुलर भी आएगी और प्लूरल भी आएगी। अब आप ये बताओ कि यहां पर आपको बताया था कि जैसा इनके साथ नाउन आएगा वैसी आपकी वर्ब आएगी, तो आपने क्या देखा कि मोस्ट के साथ आपका जो नाउन आ रहा है ये नाउन आपका प्लूरल है, स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है,
तो वर्ब कैसी आएगी? बिल्कुल सही आपके आंसर आ रहे हैं, वर्ब आएगी प्लूरल, और यहां पे राइट आंसर आपका हैव होगा, हैज कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल वर हैप्पी होगा या वॉज हैप्पी होगा? तो यहां पर सभी की बात की गई है, और जब सभी की बात की जाएगी तो वर्ब आप लगाएंगे प्लूरल, यहां पे ऑल वॉज नहीं, आप कहेंगे यहां पे ऑल वर हैप्पी होगा, वॉज कहना अभी यहां पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनी आ बॉय, और यहां पर आपको वर्ब दी गई है इज आएगी या आर आएगी प्लेइंग, मतलब बात की गई यहां पे कि भैया यहां पर ध्यान से देखना, आपका आर्टिकल नाउन के पहले देखो दिया है, नाउन के पहले आपका यहाँ पे आर्टिकल ए और एन दिया है, ये आपका अपवाद है, जरा ध्यान से देखिए। आपको बताया था कि मैनी के बाद जब कभी भी अगर आर्टिकल ए और एन आएगा तो आपकी वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर, तो सिंगुलर में आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर इज लगाएंगे, आर यहाँ पर आपकी वर्ब गलत हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर भी आप लोगों के सही आ रहे हैं कि यहां पर आप कहना चाहते हैं कि जो वर लगा है ये गलत है, और आपको बता दें आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, लिखा है When we reached there, कह रहा भैया जब वहां पर पहुंचे nobody were in the house, घर में कोई नहीं था। बिल्कुल सही, nobody आपका एक सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और इसके साथ आपकी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो सिंगुलर में वर लगाएंगे या वॉज लगाएंगे? बिल्कुल सही, वर यहां पर गलत हो जाएगी, और आप यहां पर इसके हिसाब से जो वर्ब आपकी करेक्ट वर्ब आएगी वो करेक्ट वर्ब आपकी वॉज हो जाएगी, वर यहां पर गलत था, वर इज रिप्लेस बाई वॉज हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इसमें जो भी डाउट आपको होता है, जो भी चीज आपको, जो भी पॉइंट क्लियर ना हो, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो आज का मेरा और आपका सफर यहीं तक होता है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखिए।